हेलो फ्रेंड्स, आज का ऑर्गेनाइज़र बड़ा ही काम का है, क्योंकि आज के ऑर्गेनाइज़र में मैंने जो है इस तरह का बनाया है कि इसमें आप अपने जो भी कपड़े निकालते हैं तो इससे दूसरे कपड़े डिस्टर्ब नहीं होते और आप बड़ी आसानी से इसमें से निकाल सकते हैं और ऊपर से आप इन कपड़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। जी हाँ, और कपबोर्ड में आप बहुत ही अच्छी तरह से इसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इतना ईजी और इतना काम का ऑर्गेनाइज़र तो बनाना बनता ही है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉटन के इस तरह के जो है पीसेस लिए हैं, तो आप यहाँ पर कॉटन का ही कपड़े का यूज़ कीजिए। और इस तरह से लंबाई में 20 इंच और चौड़ाई में 12 इंच के ऐसे मैंने 8 पीस लिए हैं, क्योंकि मैं इसमें लाइनिंग में भी इसी पीस का यूज़ करने वाली हूँ। और साथ में मैंने 4 पीस जो लिए है उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो 12 इंच है। अब हमें क्या करना है, इन सारे कपड़ों के पीछे जो पेस्टिंग बुकरम आता है उसे जो है लगाना है, जिससे हमारा जो लुक है वो बहुत ही सुंदर आएगा, मार्केट जैसा इसका लुक लगेगा। तो बस आपको इस तरह से प्रेस इसके ऊपर घुमा देना है, तो आपको ये इसके साथ जो है बहुत ही अच्छी तरह से ये पेस्ट हो जाता है। और अब हम इसके साइड में भी सिलाई कर लेंगे। और इस तरह से हमने जो ये सारे पीसेस को तैयार कर लिया है, अब हमें क्या करना है, ये बुकरम वाले जो दोनों भाग इसे इस तरह बीच में रखकर हमें इस तरह से इन्हें सिल लेना है। तो इस तरह से जब हम सिलेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल 4 पीस और स्क्वायर में हमारे 2 पीस तैयार हो जाएंगे। और इस तरह तैयार करने के बाद हमें कोई भी 2 पीसेस लेने हैं रेक्टेंगल और उस पर हमें शेप देना है। तो आपको 2 पीस पर शेप देना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक पीस को लेना है और इस पर हमें जो है कॉर्नर पर इस तरह से 2-2 इंच पर हमें निशानी लगानी है। और इस तरह 2-2 इंच पर हमने निशानी लगाकर हमें इस तरह से इसमें जो है स्क्वायर सा बना देना है। तो देखिए, इस तरह से हमें इस पर लाइनिंग कर लेंगे। और इस तरह लाइन कर लेने के बाद हमें जो है इसको कट करना है। तो पहले आप इस तरह बड़ी आसानी से इसमें निशानी कर लीजिए। और ऐसे हमें 2 पीसेस तैयार करने हैं हमारे पास जो 4 पीस थे उसमें से। और कैसा लग रहा है मेरा ये आइडिया, और अगर आपको ये आइडिया पसंद आ रहा है और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम तो रविवार बुधवार को ऐसे ही नए वीडियो को लेकर आते रहते हैं। और कुछ इस तरह का आप थोड़ा सा गोलाई में शेप दे दीजिए, और अब आपको जहाँ से आपने गोलाई में शेप दिया है उस हिसाब से आपको इसमें कट कर लेना है। बहुत आसान वे में ये ऑर्गेनाइज़र आप घर पर तैयार कर सकते हैं। अभी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र ऑनलाइन मार्केट में बहुत ही मिल रहे हैं, तो जिसे आप घर पर बिल्कुल आसान वे में तैयार कर सकते हैं। आप बिगनर है तो भी इसे बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं, ये मेरी आपको गारंटी है। तो कोई इस तरह से आपको इसमें कट लगाना है। अब हमें इसमें जो है जीपर लगानी है। तो जीपर लगाने के लिए हमें क्या करना है, जीपर को इस तरह उल्टी रखकर हमें जो है इसके दोनों ही पीस पर हमें अरेंज करना है उल्टी रखकर इस तरह से। तो आप देखिए कि हमने पिन किया है, तो पिन अप करने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारी जो जीपर है अरेंज रहेगी और जब हम सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। आप अगर बिगनर है तो आपको इस तरह करना है, और अगर बिगनर नहीं है तो भी काम में सफाई लाने के लिए इस तरह से हमें करना चाहिए, तो हमारा बहुत ही अच्छी तरह से हम इसमें सिलाई कर सकते हैं। तो मैंने दोनों पीस को इस तरह कर लिया है, सिलाई कर ली थी और उसके ऊपर फिर मैंने इस पर प्रेस सिलाई भी कर दी है। जी हाँ, तो मेरा मिशन आपको ईजीएस्ट वे में सिखाने का है। तो मेरी मिशन में मुझे सक्सेस करने के लिए मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपको वीडियो पसंद आता ही है लेकिन आप लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं, तो आप ज़रूर से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है। अब हमें सबसे बड़ी बात इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसमें जो है रनर लगाने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है, हमें इस तरह से इनको अरेंज करना है और बाद में हम इसमें रनर को लगाएंगे। अगर आप पहले से रनर को लगा देंगे तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और आपका ये फिनिशिंग वाला नहीं बनेगा। बस आपको इसमें खास इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से अरेंज करना है और बाद में हम इसमें रनर डालेंगे। और रनर डालने के बाद मैंने इसमें 2 रनर डाले हैं, दोनों बाजू से एक एक रनर को अंदर डाला है। और नीचे का जो एक्स्ट्रा भाग है हमारा, जो यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा हो गया एक्स्ट्रा, उसे कट कर देना है, क्योंकि ये इस तरह से होगा तो आप इसको एक्स्ट्रा भाग को कट कर दीजिए। लेकिन इस तरह से कट करने से इसका नीचे से ये थोड़ा छोटा हो जाता है, तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच की एक और पल्टी जो है इस तरह से बुकरम वाली इसमें नीचे लगा दी है। तो ऐसे मैंने दोनों पीस में लगा दी थी। अब हमें इसे 4 पीस को कुछ इस तरह से अरेंज करना है, और ये जो गोलाई वाला भाग है इसे इस तरह बीच में रखना है हमारे दोनों पीस के, और इस तरह रखकर हमें इन्हें सब पर सिलाई कर लेनी है। सिलाई कर लेने के बाद हमें इन क्या करना है कि इसका जो एक भाग खुला है वहाँ पर भी हमने सिलाई कर ली। अब हमने जो 12 इंच बाय 12 इंच के 2 पीसेस लिए हैं उनको साइड में हमें लगा देना है, और इस तरह से हम जो है इस पर लगा देंगे और फिर हम इस पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हमें जो है इस पर पाइपिंग से पूरी सिलाई करके
हमें इसे कंप्लीट करना है, तो हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो तैयार हो गया। देखा कितनी इजी वे में हमने इसे तैयार कर लिया है। आप इसमें अपने साड़ी को रख सकते हैं, आप इसमें अपने ट्राउज़र को रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर शर्ट को अरेंज किया और इसमें मैंने अंदर 25 शर्ट इसमें मेरे आ गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे शर्ट हम इसमें बड़ी आसानी से रख सकते हैं। और जब भी हमें ज़रूरत हो तो हमें जो भी शर्ट चाहिए बड़ी आसानी से हम यहाँ से इसे खोल कर निकाल सकते हैं। तो है ना बहुत ही काम का ये ऑर्गेनाइज़र। तो ये ऑर्गेनाइज़र आप कब तैयार कर रहे हैं मेरे साथ, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नई आइडिया के साथ।